एक आम का पेड़ था जिसके पत्ते सुनहरे रंग के थे। उस पर रंग बिरंगे कबूतर थे। बहुत खास बात तो यह थी कि इस आम के पेड़ पर तीन जादुई आम लगे थे। एक आम के रस से किसी को भी ठीक किया जा सकता था, दूसरे से कोई भी इच्छा पूरी की जा सकती थी, और तीसरे आम के रस में जहर था। उसको पीने से इंसान मर सकता था। इस आम के पेड़ पर रहने वाले रंग बिरंगे कबूतर को इस बात का पता था और किसी को भी नहीं। एक बच्ची जो अपनी सहेलियों के साथ खेलने आती थी, उसे यह पेड़ बहुत पसंद था। वह खड़ी होकर उस पेड़ से बातें किया करती, पानी डालती, कबूतरों के लिए रोज दाना भी डालती। चिड़िया और बच्ची में दोस्ती हो गई। वह दोनों ढेर सारी बातें किया करते थे। एक बार बच्ची ने पूछा, यह पेड़ इतना अलग क्यों है और आप भी इतने सुनहरे अलग क्यों हो? मैं इसी पेड़ पर पैदा हुआ हूँ और मेरा रंग भी इसके जैसा हो गया है, और एक जैसा रंग होने के कारण शिकारी मुझे देख नहीं पाते। एक दिन बच्ची बहुत उदास थी। तब कबूतर ने उससे पूछा, क्या बात है, क्या हुआ, सब ठीक है ना? मेरी माँ बहुत बीमार है, उसे आराम करने का भी समय नहीं मिलता, और वह बहुत दूर से पानी लाती है, लकड़ियाँ लाती है कि खाना बना सके। मैं बहुत छोटी हूँ और कोई मदद नहीं कर पाती। दुखी मत हो दोस्त, क्या तुम्हें एक राज की बात बताऊं? पर वादा करो तुम किसी और से यह बात नहीं बताओगी। बच्ची ने पक्का वादा किया। तब कबूतर बोला, इस पेड़ पर जादू आम है, और अगर तुम यहाँ से एक आम जिसमें जहर नहीं है वो ले जाओ तो तुम्हारी परेशानी हल हो जाएगी। कबूतर ने उसे आम रस पीने की तरकीब बताई। बच्ची अगले दिन सुबह सुबह आई और बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि कबूतर ने सिखाया था। आम के पेड़ से दो आम गिरे। बच्ची उन्हें लेकर घर चली गई। बच्ची ने रस वाले आम से माँ को थोड़ा रस पिलाया, और देखते ही देखते उसकी माँ बिल्कुल स्वस्थ हो गई। माँ को बहुत आश्चर्य हुआ। उसकी बेटी ने गरीबों की मदद करी और किसी से कोई पैसा नहीं लिया, और देखते ही देखते बहुत प्रसिद्ध हो गई। एक दिन एक वैद्य ने यह बात सुनी तो उसका चमत्कार देखने एक बीमार बनकर आया। बच्ची ने थोड़ा आम का रस दिया और वैद्य में बहुत ताकत आ गई। इस रस में जरूर कुछ जादू है, उसने बच्ची को लालच दिया और कहा, बच्ची ये आम मुझे दे दो। बच्ची ने मना कर दिया। वैद्य ने जाल बिछाया और उसकी माँ को कैद कर लिया। बच्ची रोने लगी और उसे तभी दूसरे जादुई आम की बात याद आई। उसने जादुई आम से अपनी माँ का पता पूछा और कहा, जादुई पेड़ मुझे मेरी माँ के पास पहुँचा दो। जादुई आम ने एक उड़ने वाली चादर मंगाई और उस पर बच्ची को बिठा दिया। बच्ची अपने माँ के पास उड़ती हुई पहुँच गई। वह बड़ी हिम्मत से माँ को छुड़ा कर ले आई। वैद्य को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। उसने जादुई आम के रहस्य को जानने के लिए बच्ची का पीछा करना शुरू कर दिया। एक दिन उसके पीछे पीछे आम के पेड़ के पास पहुंच गया। अब तो मैं पेड़ पर चढ़कर सारे आम तोड़ दूंगा। अगले दिन वो सीढ़ी लेकर आया। आम के पेड़ से जैसे ही उसने सीढ़ी लगाई उसमें आग लग गई। सीढ़ी जल कर खाक हो गई। वैद्य बहुत डर गया। उसने पेड़ से कहा, जादुई पेड़, मैं एक वैद्य हूँ, मुझे आम दे दीजिए, आम से सबका उपकार करूँगा। जादुई आम का पेड़ वैद्य के मन का लालच जान चुका था। आम के पेड़ ने वैद्य की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए एक अच्छा आम और एक जहरीला आम वैद्य को दे दिया। वैद्य अपने गांव आया और पूरे गांव और आसपास के गांव में खबर फैलाई कि वह किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। उसके यहाँ लाइन लग गई, लोगों का तांता लग गया। सबसे पैसे लेता और थोड़ा सा पानी पिलाता,
गरीब बहुत परेशान हो गए। वैद्य केवल अमीर लोगों को ही देखा करता था। तभी अच्छे आम का रस खत्म हो गया। वैद्य ने सोचा कि दूसरे आम में भी वही रस होगा, पर जैसे ही उसने दो रस मरीजों को पिलाया तो लोग मरने लगे। सब लोगों को बहुत गुस्सा आया। सबने मिलकर वैद्य को बहुत पीटा और भागकर बच्ची के पास आए। बच्ची ने अपने दूसरे आम से प्रार्थना करी कि वह सभी मरे लोगों को जीवित कर दे। सभी लोग उठ बैठे और बच्ची की जय जयकार करने लगे। जादुई आम के पेड़ का एक रहस्य यह भी था कि वह सिर्फ सच्चे मन वालों की ही सहायता करता था, जो कि सिर्फ एक बच्ची में था। बच्ची ने सभी आम वापस पेड़ को दे दिए और खुशहाल होकर अपनी पढ़ाई करने लगी। सच्ची सेवा भावना इंसान को महान बनाती है।